हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हमारे पास आईटेल कीपैड फोन है जिसमें हम यहां पर वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर को चेक करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो यहां पर आईटेल सेट है जो कि AC2 नाम का है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो इस सेट में हम यहां पर वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर को चेक करने वाले हैं क्या है क्या नहीं, या ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है या नहीं, या प्रक्रिया क्या रहेगा, सेटिंग कैसा करना है। और हमारे पास यहाँ पर न्यू दोनों डिवाइसेस है, न्यू है। यहाँ पर ब्लूटूथ स्पीकर भी न्यू है और हमारे पास यहाँ पे मोबाइल भी न्यू है। तो यहाँ पे हम साथ ही साथ अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम मोबाइल को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा अनबॉक्सिंग हुआ कंप्लीट। अब हम यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं क्योंकि इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का जरूरत पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड को लगा लिए और अब हम यहाँ पर मोबाइल और ब्लूटूथ स्पीकर को दोनों को एक साथ ऑन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है और ब्लूटूथ का स्पीकर स्विच जो है, फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी मस्त स्पीकर है। इसका स्विच पीछे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ स्पीकर भी ऑन हो गया है। अब हम यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो ब्लूटूथ स्पीकर है वो ऑन हो गया है और हमारा मोबाइल भी ऑन हो गया है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको सेटिंग मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ सबसे नीचे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फाइल का। तो आपको एक्स्ट्रा फाइल में जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर BT ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स, जो कि ब्लूटूथ है। यहाँ पर ब्लूटूथ पर ओके करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर पावर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर पावर ऑन है, ऑफ है, तो ऑन कर देंगे फ्रेंड्स। हमारा यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर तीसरी ऑप्शन पर आना है, डिवाइस पर। तो यहाँ पर आपको न्यू डिवाइस चीज तरह का आएगा। तो यहाँ पर आपको एक बार सर्च में जाना फ्रेंड्स, तो एक बार क्लिक कर देंगे इस पर। यहाँ पर सर्चिंग करेगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर जो भी ब्लूटूथ का नाम होगा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैक होना है फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे आपका ब्लूटूथ स्पीकर का नाम शो करेगा। उसके बाद आप उस पर दबाना है फ्रेंड्स। उसके बाद कनेक्ट कर लेना है। तो हमारा ब्लूटूथ यहाँ पर कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इससे गाना सुनते हैं फ्रेंड्स। तो कुछ सॉन्ग को यहाँ बजाते हैं। तो इस मोबाइल में हमें जाना पड़ेगा प्लेयर पर। उसके बाद यहाँ पर हम फाइल मैनेजर में है फ्रेंड्स, सब देख सकते हैं। इसके अंदर जाते हैं और कोई भी MP3 को ऑन करते हैं, देखते हैं किस तरह का साउंड आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो MP3 है वो प्ले हो गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्ले कर दिए हैं ऑडियो को और ऑडियो हमारा चल रहा है, फिर भी हमारा जो स्पीकर में है साउंड नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है? यहाँ पर हम इसे काट कर और डायरेक्ट प्ले ऑडियो प्लेयर से बजाते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियो प्लेयर से भी बज रहा है और हमारा सॉन्ग जो है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पर भी दिखा रहा है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी चल रहा है, साउंड चल रहा है, लेकिन हमारा साउंड स्पीकर में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो हम थोड़ी देर के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, उस टाइम यहाँ पर हम छोड़ दें तब जा कर के हमारा साउंड आ रहा है, वो भी बहुत ही कम क्वालिटी में बज रहा फ्रेंड्स। उसके बाद भी छोड़ पकड़ हो रहा है, हमारा स्पीकर में साउंड कट जा रहा है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपने बारीकी से देख ही लिया होगा। इस फोन से तो नहीं बज रहा है फ्रेंड्स। अगर आपके पास दूसरी फोन है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं बज रहा है तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड को खोल के ब्लूटूथ स्पीकर में डायरेक्ट लगा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।